बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की बैठक कर कमेटी गठन किया गया। दरभंगा जिला के बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन की कार्य समिति की बैठक बुलाकर आज पूरी कमेटी को चुना गया, जिसमें अध्यक्ष से लेकर महासचिव कोषाध्यक्ष सभी की नियुक्ति सर्वसम्मति से की गई। यह नियुक्ति विधिगत पिछले वर्षों में ही होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण इस नियुक्ति को लेकर बैठक नहीं हो पाई थी। आज इस बैठक में सभी प्रखंड से दरभंगा जिला के सभी बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे और इस दरमियान इस बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष से लेकर कोषाध्यक्ष महासचिव की नियुक्ति की गई। आइए घटना को विस्तार क्रम से जानते हैं और सुनते हैं नवनिर्मित अध्यक्ष ने भी क्या कहा। दरभंगा से सुनील झा की रिपोर्ट। आज तक ले हम अपने संगठन में रहे, खूब अपने मनोबल से, न कभी कहें कि हमको पोस्ट चाहिए, न किसी तरह के वातावरण में उल्टा सीधा हम समझने वाले आदमी थे। हम यूनियन के लिए जो अच्छा बुझाया वो हम अपने आप से करते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम विनोद चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोक बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रसाद सिंह जी से आग्रह करेंगे। आसन में आपको बने हैं उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा, उनको माल्यार्पण कर प्रदान करते हैं। यूनियन की आज बैठक हुई है, ये किस संदर्भ में बैठक हुई थी, क्या इसमें क्या गया आप लोग के द्वारा? आज जो हमारा जिला शाखा है बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के दरभंगा में जो आज का जो मीटिंग हुई है, ये जो मीटिंग का आयोजन हुआ उसमें डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस आज हमारा था, जिला अधिवेशन, जिसको आज के समक्ष आपके बीच में जिस पदाधिकारियों का नाम लिया गया और जो भी हमारे साथीगण उपस्थित थे वो आपके बीच में अभी हैं, उपस्थित हैं, और ये आपको 100% अधिवेशन के संबंधी में ये सभा था और आज के दिन में ये संपन्न हो गया और विभिन्न तरह के पदाधिकारी सर्वसम्मति से हमारे साथी सब मिलकर उपस्थित होकर अपना हस्ताक्षर करके और अपना अपना व्यक्त जाहिर किए और इसमें पदाधिकारियों का नाम का चयन किया गया। इसी संबंधी आज का शुद्ध आपका अधिवेशन था। इसने कितने वर्षों के गैप के बाद ये सब होता, पूर्ण गठन होता है इस संगठन? ये आपका जो है अधिवेशन का जो आपको नियम है, जो संघीय ढांचा के तहत आता है, संविधानिक प्रावधान के तहत, उसमें ये द्विवार्षिक होता है, उसके बाद विलम्ब 2.5-3 साल हो जाए तो कोई बात नहीं है, परंतु ये इसमें कोरोना वाला भी आपको सर से डिस्टर्ब था और ये अधिवेशन जो आज हुआ है वो द्विवार्षिक के रूप में ये आपको आज हम लोग मना रहे हैं। इसमें इसमें जो जो जिन लोगों को जिन पद के लिए चयन किया गया उसका नाम आप कुछ बता पाएंगे, किनको किस पद पर जो है नियुक्ति? हाँ हाँ, नाम बता पाएंगे, बोलते जाइए आप थोड़ा साइड में। जी जी, संरक्षक इंद्रभूषण प्रकाश, आप ये बोल दीजिए ना, बोलते रहिए, खड़े हो गए, कोई बात नहीं, हमारा नहीं कहना। संरक्षक श्री इंद्रभूषण प्रकाश, अध्यक्ष श्री शशिभूषण प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा, श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार पासवान, जिला सचिव जो हमारे सेक्रेटरी हुए कॉमरेड श्री राम विनोद चौधरी, सहायक जिला सचिव हुए श्री राम कृपाल राय, श्री रणवीर कुमार सिंह, श्री राम कुमार राय, कोषाध्यक्ष हमारे जिला के हुए श्री रणवीर कुमार सिंह, श्री धर्मेंद्र कुमार झा, संगठन मंत्री हुए श्री कामोद ठाकुर, श्री रविंदर कुमार ठाकुर, श्री राम सकल मंडल, अंकेक्षक हुए श्री सीताराम लाल दास एवं मोहम्मद एजाज अहमद। ये जो अभी जो टीम गठन किया गया, इनकी अगली रणनीति क्या होगी, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या किया? अगले रणनीति सबसे पहले जो चुनाव आज के डेट में जो अधिवेशन का जो आपको सर्वसम्मति से चयन किया गया उसका प्रति हम हर जगह महाप्रबंधक से लेकर परिमंडल और अखिल भारतीय दिल्ली को भी हमको सबको प्रति देना है और उसके बाद में आके एक पुनः बैठक होगी और उसमें 100% ये निर्णय लिया जाएगा कि वर्तमान में जो बीएसएनएल की परिस्थिति है पूरे भारतवर्ष के अंदर में
उसमें हमारा दरभंगा में हमारे कर्मचारियों का उसमें क्या योगदान होना चाहिए उसके उत्थान के लिए, जो आज हमारी परिस्थिति कुछ पहले से बदल चुकी है। और उसमें हम सब साथी से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में आप समर्पित भावना से आप BSNL में अपना योगदान दें और BSNL के विकास के लिए आप तत्पर और कार्यरत रहें, हमेशा अपने तरफ से सहयोग करें। और साथ ही संगठन के मजबूती के लिए भी आप जिस किसी प्रकार का अगर बाहरी ताकत या बाहरी कोई लोग उपद्रव करते हैं उससे आप सचेत रहें, संगठन को भी मजबूत करें, एकत्र करें, चट्टानी एकता बना के रखें और सर्वोपरि सारे जो भी हमारे मिथिलांचल या पूरे दरभंगा जिला के अंदर में, अभी तो पूरे आपको बिजनेस एरिया में बहुत सारे दरभंगा के अंदर में आ गए, जहाँ TDM था वहाँ सब आप मर्ज हो गए, आप GM केवल दरभंगा के अंदर में रहेंगे। ये सबसे हम ये संदेश इन कर्मचारियों से देना चाहेंगे, अपने सदस्य से, कि BSNL के बेहतरी के लिए आपको हमारा एक दूसरे को संदेश देना है। और आम जनता जो हमारे जनता के बल पर हमारा डिपार्टमेंट चलता है उनको हमेशा मधुर वाणी से इसको रिस्पेक्टेबल वर्ड देके उसको सम्मान करें। और हमारे जो सबसे खुशी है आज हमारे आपके द्वारा जो हमारे आपके बीच में आप हमारे यूनियन कार्यालय में जो प्रेस वाले हमारे सामने हैं वो आपको सही माने में अगर कहा जाए तो सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान लायक आज के डेट में ये है कि हमारे अच्छा या बुरा संदेश को ये पूरे जगह आपको प्रसारित करेंगे और वो ऑटोमेटिक है पूरे के पूरे जनता के संदेश में भी जाएगा। और हमारे ग्राहक से भी निवेदन है कि आप हमारे ऊपर कुछ विश्वास करें, बाहरी कुछ अपनी कंपनियां सब आके अपना उल्लू सीधा कर रहा है, फिर भी जो भी BSNL के प्रति आस्था है पूरे देश दुनिया में या पूरे मिथिलांचल में जिला दरभंगा के अंदर में, उस पर आप विश्वास करें। और आने वाले समय में यही एक कंपनी BSNL है जो आपका सही सेवा और झूठ फूस की राजनीति नहीं करता। आपका परिचय सर? मेरा नाम राम विनोद चौधरी हुआ और हम यहाँ कार्यरत आपको जिला के अंदर में जो फोन्स में है, आज जिला सचिव, आज हमारा आपका जो है चयन में मैं तो नहीं बोल सकता लेकिन हमारे साथी बोल सकते हैं। और मैं लगभग 12 साल से ऊपर आपको कार्यरत ये जिला सचिव का पूरा कर चुका हूँ और पुनः फिर हमारे ऊपर ये आपको ये लोग निर्णय लेके किए हैं कि जो आप विश्वास जताए और फिर से सचिव बना दिए। हाँ, विश्वास जता के जता रहे कि आपसे।